हे गाइस, तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे द फर्स्ट स्केल दैट यू लर्न ऑन गिटार जब भी आप किसी म्यूजिक इंस्टीट्यूट में जाते हो, एंड मैं आपको इसके पीछे की थ्योरी भी बताऊंगा कि ये बेसिकली बनता कैसे है। तो आज जो हम स्केल देखेंगे वो है मेजर स्केल। एंड क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के आधे से ज़्यादा गाने मेजर स्केल पर बनते हैं? तो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। तो आज जो हम स्केल देखने वाले हैं वो है मेजर स्केल। हम देखेंगे कि एक मेजर स्केल बनता कैसे है गिटार पे, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, एंड हम सी मेजर स्केल का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि सी इज़ रियली गुड टू स्टार्ट विथ एंड इट्स वेरी ईजी एज वेल, एंड आई टेल यू वाई लेटर ऑन दिस वीडियो। तो मेजर स्केल बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, एंड वो फार्मूला है होल होल हाफ होल 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 हाफ का फार्मूला। कुछ लोग होल को टोन भी बोलते हैं एंड हाफ को सेमीटोन। तो जैसे मैंने आपको बताया होल होल हाफ होल 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 हाफ, तो इसको टोन टोन सेमीटोन टोन 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 सेमीटोन भी बोला जा सकता है, बट टेक्निकली दोनों का मतलब एक है। ओके, तो आपको ये एग्जैक्ट इसी ऑर्डर में याद कर लेना है जैसे मैंने आपको बताया। आप इसको कहीं लिख भी सकते हो अपनी डायरी में, होल होल हाफ होल 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 हाफ। तो देखते हैं कि अब इस फॉर्मूले को हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है गिटार पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सी मेजर स्केल का एग्जांपल लेंगे आज, तो सबसे पहले हमको अपना सी नोट देखना है कि हमारा गिटार पे सी नोट कहाँ पर है। जैसा हम सब लोगों को पता है कि म्यूजिक के जो हमारे सुर होते हैं, जो हमारे म्यूजिक के नोट्स होते हैं, वो टोटल 12 होते हैं, एंड उन 12 नोट्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी शफल नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, सी के बाद सी शार्प आता है, फिर डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, उसके बाद अगेन हमारा दोबारा से सी आ जाता है, एंड उसके बाद ये साइकिल ऐसे ही आगे रिपीट होती है। सी के बाद अगेन सी शार्प, डी, डी शार्प, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन क्लियर होने के बाद हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे गिटार फ्रेटबोर्ड पे सी नोट कहाँ पर है, क्योंकि हम सी मेजर स्केल को बना रहे हैं इसलिए। तो अब वो कैसे ढूंढेंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो म्यूजिक के टोटल 12 नोट्स होते हैं उनका ऑर्डर हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी शफल नहीं होता है, एंड हमारी जो ओपन स्ट्रिंग्स होती हैं उनके भी एक एक नेम होते हैं। जैसे फर्स्ट होती है ई, उसके बाद होती है बी, उसके बाद होती है जी, फिर डी, फिर ए, एंड देन अगेन ई, लेकिन वो लोअर ऑक्टेव की ई होती है। तो हम एक काम करते हैं, हम फिफ्थ स्ट्रिंग से ट्राई करते हैं। तो फिफ्थ स्ट्रिंग हमारी होती है ए, ए के बाद क्या आता है ए शार्प, उसके बाद बी, उसके बाद सी। सो देयर यू हैव इट, हमको हमारा सी नोट मिल गया। अब हमको हमारा वो फॉर्मूला लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला था होल होल हाफ होल 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 हाफ। तो मैं जितनी बार भी होल बोलूंगा तो मैं जो भी नोट प्ले कर रहा हूँ उसके ठीक एक आगे वाला स्किप करूंगा, एंड जब भी हाफ बोलूंगा तो मैं कोई भी नोट स्किप नहीं करूंगा, ठीक उसके आगे वाला प्ले करूंगा। तो अब हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नोट प्ले करूंगा जो कि था सी, एंड हमारे फॉर्मूले का पहला टर्म था होल, तो मैं सी नोट प्ले करूंगा, और होल है तो मैं एक नोट स्किप करूंगा, अगेन होल था तो मैं नोट स्किप करूंगा, उसके बाद था हाफ तो मैं कोई भी नोट स्किप नहीं करूंगा, एंड उसके बाद होल था तो मैं अगेन एक नोट स्किप करूंगा, फिर होल था तो मैं अगेन एक नोट स्किप करूंगा, उसके बाद अगेन होल था तो मैं एक नोट स्किप करूंगा, एंड उसके बाद था हाफ तो मैं कोई भी नोट स्किप नहीं करूंगा। सो दैट वाज आवर मेजर स्केल गाइस। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम सारे नोट्स को एक ही स्ट्रिंग पे प्ले कर रहे हैं, एंड अगर हमें ऐसे प्ले करना पड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। हम क्या करेंगे, हम अपने स्केल के जो नोट्स हैं उनको बाकी स्ट्रिंग्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सो दैट वी कैन प्ले ऑल नोट्स इन वन पोजिशन। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमको सबसे पहले अपने नोट्स को आइडेंटिफाई करना है कि उनके नेम्स क्या हैं। तो सबसे पहला नोट हमारे स्केल का था सी, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने एक नोट स्किप किया था तो सेकेंड नोट है डी, फिर अगेन हमने एक स्किप किया था तो थर्ड नोट है ई, फिर हमने कोई भी नोट स्किप नहीं किया था तो होगा एफ, फिर अगेन हमने एक स्किप किया था तो होगा जी, फिर स्किप किया था तो होगा ए, फिर स्किप किया था तो होगा बी, और उसके बाद हाफ था तो अगेन सी, एंड हमारा पूरा का पूरा ऑक्टेव कंप्लीट हो गया है। सो नाउ दैट वी नो कि हमारे स्केल में जो नोट्स हैं उनके नेम्स हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, एंड देन अगेन सी। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, हम बाकी स्ट्रिंग्स पे इन सारे नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि हमको एक ही स्ट्रिंग पे सारे नोट्स को ना प्ले करना पड़े। तो हम सी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नोट था हमारा सी, सेकेंड नोट था हमारा डी, इनको साथ प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि हमारी जो फोर्थ स्ट्रिंग होती है वो डी होती है, तो हम इसको ओपन भी प्ले कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो हमारा थर्ड नोट था वो था ई, तो डी के बाद क्या आता है डी शार्प, एंड डी शार्प के बाद आता है ई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर सी प्ले करेंगे, डी, डी शार्प मिस किया एंड यहां पर आ गया ई।
इसके बाद हमारे स्केल में एफ नोट लग रहा था एंड हम सबको पता है कि ई के बाद आता है एफ, तो हम यहीं पे एफ प्ले कर सकते हैं। एफ के बाद जो हमारे स्केल में नेक्स्ट नोट आ रहा है वो है जी, तो हम सबको पता है कि थर्ड स्ट्रिंग हमारी जी होती है, तो हम इसको जी प्ले कर सकते हैं। सो बाय फार हमारे पास ये है। तो जी के बाद हमारे स्केल में जो नेक्स्ट नोट था वो था ए, तो हम सबको पता है कि जी के बाद आता है जी शार्प एंड जी शार्प के बाद आता है ए, तो हम जी जी शार्प ए, हम ए यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ए के बाद हमारे स्केल में जो नेक्स्ट नोट था वो था बी, तो हम सबको पता है कि सेकंड स्ट्रिंग बी होती है, तो हम इसको ओपन प्ले कर सकते हैं। बी के बाद हमारे स्केल का जो लास्ट नोट है वो है सी, एंड हमारे म्यूजिक के नोट्स का जो ऑर्डर होता है उसमें भी बी के बाद सी आता है, तो हमको कोई भी फ्रेट स्किप नहीं करना है, तो हम बी के बाद प्ले करेंगे सी। एंड इसी के साथ हमारा सी मेजर स्केल रेडी है। और जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे सी मेजर स्केल में जितने भी नोट्स थे वो सारे के सारे नॉर्मल थे, कोई भी नोट शार्प नहीं था, एंड दैट वाज द रीजन कि हमने सी मेजर का एग्जांपल लिया। वेयर एज अगर हम किसी और स्केल का एग्जांपल लेते तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें कोई ना कोई शार्प नोट यूज हो रहा होता। जैसे मैंने नोट्स को आइडेंटिफाई करके ओपन स्ट्रिंग्स पे मैंने सी मेजर स्केल आपको प्ले करके दिखाया, आप सेम तरीके से अलग अलग पोजीशंस पे भी सी मेजर स्केल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि कौन कौन से नोट्स यूज हो रहे हैं, एंड अब हमको ये भी पता है कि हमारे जो नोट्स होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है म्यूजिक के, तो उस इन्फॉर्मेशन से आप डिफरेंट पोजीशंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने गिटार पे, अपने गिटार के फ्रेटबोर्ड पे, एंड आई थिंक आपको इससे बहुत वैल्यू मिली होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जिस भी नोट का हमको मेजर स्केल बनाना है हमने सबसे पहले वो ढूंढा गिटार पे, इन आर केस हमने सी ढूंढा। उसके बाद फॉर्मूले की हेल्प से हमने वो नोट्स आइडेंटिफाई करे जो स्केल में लग रहे हैं, और उसके बाद उन नोट्स को हमने बाकी स्ट्रिंग्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सो दैट वी कैन प्ले ऑल दीज नोट्स इन वन पोजीशन। तो जैसे मैंने आपको ओपन पोजीशन पे नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया, आप सेम तरीके से अपने स्केल की और भी कई सारी पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो गिटार पे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा था कि हमारे सी मेजर स्केल के नोट्स के जो नेम थे वो थे सी डी ई एफ जी ए बी एंड देन अगेन सी, तो आपको बेसिकली ये याद रखने हैं, एंड जैसे हमने ओपन स्ट्रिंग्स पे वो ढूंढे थे आप और भी डिफरेंट पोजीशंस पे ये नोट्स को ढूंढ सकते हो, और वो आपका सेम सी मेजर स्केल ही रहेगा, जैसे सी मेजर स्केल हमारा यहां पर भी बनता है, क्योंकि मैं वो सेम नोट्स प्ले कर रहा हूं ओपन की जगह यहां पर। सी मेजर स्केल ये भी है एंड ये भी है एंड ये भी है। पोजीशन कोई भी हो मैं नोट्स हमेशा वही प्ले करूंगा जो स्केल में लग रहे होंगे, सी डी ई एफ जी ए बी सी इन सी मेजर स्केल के केस में। सो देयर यू हैव इट गाइस, आई होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो, हिट दैट लाइक बटन, एंड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है इन टर्म्स ऑफ गिटार प्लेइंग तो आप वो कमेंट्स में छोड़ दो, एंड इन माई अपकमिंग वीडियोज आई ट्राई टू कवर दोज टॉपिक्स एज वेल।